एक दो महीने से बाइक थेफ्ट के केस जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे पीएस गगवाल के एरिया में। एसएसपी सांबा श्री अभिषेक महाजन सर ने एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसकी सुपरविजन मुझे दी और उस टीम को लीड किया एसएचओ गगवाल राकेश शर्मा ने। और सक्सेसफुली आज हमने 8 जो स्टोलन बाइक्स थी हमने रिकवर की हैं। और स्पेसिफिकली जो अक्यूज्ड हमने पकड़े हैं ये इन बाइक्स का इस्तेमाल बोवाइन स्मगलिंग की रैकी करने में और ड्रग पेडलिंग में इस्तेमाल कर रहे थे। अभी और भी हमारे पास लीड हैं और हमें उम्मीद है कि हमें वी आर श्योर कि हम आने वाले दिनों में और इससे बड़ा जो गैंग है वो बस्ट करेंगे और जिनकी तार जो है पंजाब से जुड़ी होगी और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो भी गैंग्स एक्टिव हैं जम्मू ज़िले में सांबा में हम उनको बड़ी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर, कितना बड़ा चैलेंज और कितना बड़ा ये थ्रेट है आपके लिए बोवाइन स्मगलिंग और ड्रग पैडलिंग? हमें हायर फॉर्मेशन से बड़े सख्त आदेश हैं स्पेसिफिकली बोवाइन स्मगलिंग और ड्रग पेडलिंग के रिलेटेड। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिस भी प्रकार के वो लोग हैं हम उनके उनकी प्रॉपर जो है उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। ये बाइक लिफ्टर्स कहाँ कहाँ से ताल्लुक रखते हैं सर? दो बाइक लिफ्टर जो हैं वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक जो है अभी उसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अभी अनऑफिशियली हमारे हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो पंजाब से है तो ये अभी तक की जानकारी है। कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं इनकी इनके द्वारा? हाँ बिल्कुल, अभी इंटेरोगेशन उनकी जारी है। जो भी वो उनकी प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं और भी जिन लोगों के इन्होंने नाम हमें इंटेरोगेशन में बताए हैं हम उनकी प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और बड़ी जल्दी उन लोगों को भी हम अरेस्ट कर लेंगे।